नमस्कार दोस्तों, बिजनेस इंग्लिश का आंसर फर्स्ट फर्स्ट में आपको कोई दो चैनल को डिफाइन करना है। तो पहला है फॉर्मल चैनल, दूसरा है इनफॉर्मल चैनल। उसके बाद आप इसके एडवांटेज लिख सकते हैं। अब हम चलिए चलते हैं आपको इनफॉर्मल चैनल पे। ये आपका इनफॉर्मल चैनल। द इनफॉर्मल चैनल टच ऑल कॉर्नर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नन हेड्रेचल मैनर। आई थिंक ये ब्लर दिख रहा है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसको सेंड कर दूँ। तो आप लोग जल्दी से उस पर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? और जल्दी कर लो क्योंकि 10-15 मिनट में ये रहेगा, 10-15 मिनट में फिर मैं डिलीट कर दूँगा, क्योंकि आप लोग सभी को पता होगा कि अफवाह फैली हुई है कि ड्यू समथिंग में। तो फटाफट लिख लो, ठीक है? ये तो आपका हो गया फर्स्ट का ए। अब ले चलता हूँ फर्स्ट का बी पे। अभी दोस्तों फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी आप लोग लिख लीजिए। ये इनके पांच है, पांचों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया गया है। प्लीज़ दोस्तों शेयर करना दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम चलते हैं इसका सी पार्ट। फर्स्ट का सी आंसर दोस्तों, एडवांटेज लिखना है फॉर्मल कॉम्युनिकेशंस में। उसके बाद आपको थ्री डिस एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहीं तक इसका आंसर है दोस्तों। लिख लिए हो तो अभी तक नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।